हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे प्लासेंटा प्रीविया के बारे में। तो प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है और इसके क्या कारण हैं, इसमें क्या क्या परेशानी होती हैं, कितने प्रकार का होता है, ये सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है। तो प्लासेंटा प्रीविया एक ऐसी असामान्य स्थिति है जिसमें प्लासेंटा यूट्रस के अपर सेगमेंट में स्थित ना होकर के लोअर सेगमेंट में होता है, जिसके वजह से नॉर्मल डिलीवरी में परेशानी होती है। तो ये इसके बाद जान लेते हैं कि कारण इसके क्या क्या कारण है। तो इसके कोई ऐसे कारण अभी ज्ञात नहीं है, कुछ संभावित कारण है जो हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहला है उम्र। पहली बार कंसीव करने की उम्र अगर 35 से ऊपर है तो इस वजह से भी कई बार प्लासेंटा प्रीविया हो जाता है। उसके बाद मल्टीपल प्रेगनेंसी, मतलब एक बार में एक से अधिक बच्चे गर्भ में होना, ये होती है मल्टीपल प्रेगनेंसी, इस वजह से भी कई बार प्लासेंटा प्रीविया हो जाता है। उसके बाद है माल न्यूट्रिशन इन मदर, मतलब माँ कुपोषित माँ है, उसको पूरा आहार नहीं मिला है, कमजोर है, इस वजह से कई बार भी प्लासेंटा प्रीविया हो जाता है। फिर इसके बाद है यूट्रस की कोई सर्जरी, किसी प्रकार का ऑपरेशन हुआ हो यूट्रस का, इस वजह से भी प्लासेंटा प्रीविया हो सकता है। इसके बाद इसके प्रकार जान लेते हैं। तो सबसे पहला, इसके चार प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला है कि इसमें अधिकांश भाग प्लासेंटा का अधिकांश भाग अपर तरफ रहता है, बाकी लोअर में रहता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं होती है और ये इसमें नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। इसके बाद दूसरा है, इसमें प्लासेंटा होता है वो बच्चेदानी के मुंह, जिसे इंटरनल ओस कहते हैं, वहाँ तक आ जाता है लेकिन मुँह को कवर नहीं करता है, तो इस ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं है। फिर तीसरा है, इसमें ये बच्चेदानी के मुंह को, जिसे इंटरनल ओस कहते हैं, उसको कवर कर लेता है लेकिन जब डायलिटेशन होता है तो यह पूरी तरीके से उसको कवर नहीं कर पाता है। फिर है एक लास्ट है, इसमें होता है चौथे प्रकार में होता है कि ये पूरी तरीके से इंटरनल ओस को कवर कर लेता है, अगर डायलिटेशन भी हो जाता है तो भी यह पूरे मुँह को कवर किए हुए रहता है। तो ये होते इसके चार प्रकार। जो सबसे लास्ट है वो बहुत ही खतरनाक होता है, इसमें बहुत ही कम चांस रहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी आपकी हो सकती है और ब्लीडिंग के चांस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद जान लेते हैं कि इससे क्या क्या दिक्कतें होती हैं। तो इसमें ब्लीडिंग होती है, तो ब्लीडिंग जो भी होती है वो दर्द रहित होती है, इसमें दर्द नहीं होता है, और इसमें जो भी ब्लीडिंग होती है उसका जो ब्लड होता है वो एकदम फ्रेश ब्लड आता है, लाल चमकीला ब्लड आता है, जिससे कई बार एनीमिया या कमजोरी जैसी परेशानी होती हैं। और कई बार डिलीवरी भी आपकी समय से पहले हो जाती है, जिसे प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं। इसके बाद है कई बार स्लो डायलिटेशन जिसे कहते हैं, तो बच्चेदानी का मुंह भी बहुत धीरे धीरे खुलता है डिलीवरी के समय, और कई बार जो मेम्ब्रेन होती है वो रप्चर हो जाती है, जो बच्चा जिसमें रहता है वो थैली रहती है वो समय से पहले फट जाती है। उसके बाद है कॉर्ड प्रोलैप्स, मतलब जो बच्चे की जो नाल होती है जो प्लासेंटा से जुड़ी रहती है और बच्चे की अम्लाइकल से जुड़ी रहती है, तो ये जो बच्चे को पोषण देती है कई बार ये पहले आ जाती है, बच्चा बाद में आएगा उसके पहले कॉर्ड आ जाती है, तो उसे कहते हैं कॉर्ड प्रोलैप्स। उसके बाद है कि इसमें ऑपरेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, अगर प्लासेंटा प्रीविया है तो इसमें ऑपरेशन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और पीपीएच के भी चांस बढ़ जाते हैं, इसमें ब्लीडिंग होने के भी बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं डिलीवरी के समय, उसके बाद भी पीपीएच को कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये सारी समस्या होती हैं मदर में। अब जान लेते हैं बच्चे में क्या क्या समस्या होती हैं। तो बच्चे में कई बार लो अर्थ वेट होता है, बच्चे का पूरा जो वजन नॉर्मल होता है लगभग 2.5 kg होता है नॉर्मल, उससे कम होता है, हाँ। उसके बाद होता है कई बार इंट्रा यूटराइन डेथ हो जाती है बच्चे की, कई बार डिलीवरी से पहले पेट में ही डेथ हो जाती है, मर जाता है, हाँ। और इसके बाद होता है कई बार बच्चे को किसी तरह की इंजरी हो जाती है। तो ये होता है प्लासेंटा प्रीविया। ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना। अगर आपको किसी तरह का कोई सवाल है पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।